वहाँ उन्हें आवारा और आग बनाई और यहाँ इन्होंने वर्ल्ड पीस डोम बनाया। और दोनों ने, एक ने स्क्रिप्टिंग स्टडी नहीं की थी, दूसरे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स नहीं स्टडी की थी, मुझे तो समझ में नहीं आता जी। जो कि जिसको हम बोलते हैं विश्व शांति डोम, वर्ल्ड पीस डोम, जो विश्व का सबसे बड़ा डोम है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोम। यस यस, अगेन कराट सर का मैजिक। विश्वनाथ जी वॉज अ पायनियर, राज कपूर वॉज अ पायनियर। विश्वनाथ जी's idea that he has created MIT in this place is a pioneering thought for India, India's thought. And the body of work that Raj Kapoor ji has created through his Raj studio is a pioneering work for Indian cinema. यहाँ पर देखिए, if you see this photograph, especially आपने देखा भी होगा, personally he is supervising. एक-एक चीज। He is standing there and doing the work, and that is someone who identifies with the worker. That is him. As Rajji also was very friendly, as we say. Yeah. He used to be with the ordinary people all the time. This is all leading ladies of the Indian cinema. इसमें mostly सभी ने एक आप लोगों ने नहीं किया होगा Rajji के साथ, जैसे माला सिन्हा का मुझे याद नहीं आ रहा शायद। माला सिन्हा का नहीं था। ये चोट भी कमबख्त कहीं अंदर ही लगी है। डॉक्टर, वक्तों की समझ में नहीं आएगा। ये सब मेरा ही कसूर था, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, यूं मत कहिए, ऐसा तो हो ही जाता है। लेकिन सुनिए, मुझे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आता, आप यहाँ रात को अकेले कैसे रहेंगे? एक नौकर है, कमबख्त कहीं बाहर गया होगा। अच्छा, जब तक वो नहीं आ जाता मैं ही यहाँ ठहरती। जमाने के उनके दौर में जो कंटेम्पररीज थे, नूतन तो थी उनके साथ एक फिल्म में। इसे आप रख लीजिए। क्यों? अपने घर भेज दीजिएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रखिए रखिए, बहुत जरूरत है, आपकी माँ बीमार है ना। देखिए, उसके लिए मैं मालकिन से पैसे मांग लूंगी। खामखा आप इन लोगों का एहसान क्यों लेती हैं? मगर आपका एहसान एहसान तो अमीर आदमी करते हैं, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते। और ये वो आइकॉनिक सीन है मधुबाला वाला, मुगले आजम का। मुगले आजम, कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है। मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया? आपकी सल्तनत के एक जिद्दी संतराश ने, जो गुमनामी के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता। संतराश का अनोखा फन यकीन दाद के काबिल है, लेकिन तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। उसका स्टैचू है। व्हाट अ अमेजिंग लाइफ, एक्साइटिंग लाइफ। यस यस, बोथ आर लीडिंग। यस, राजकुमार। राजकुमार, आई वर्क विद हिम इन अ फिल्म। अच्छा अच्छा, हां मैंने भी कुछ फीचर फिल्म किए। आपको सीन में देखा, आई सॉ दैट वीडियो। यस, कोई भी अच्छे इज्जतदार लोग ऐसी सास के घर लड़की नहीं देंगे। हमारी माँ के जुल्मों के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। करो करो, माँ की बुराई करो। नहीं माँ, ये बात नहीं। तू चुप रह, तुझसे तो कुछ काम होता नहीं। तेरी शादी की तो इस सभागर ने लड़की पैदा करके मेरे सर पर बोझ की गठरी रख दी। छोटे के लिए लड़की तो ढूंढी जाती नहीं है तुझसे, ये काम भी मेरे दामाद लल्ला खुबचंद जी को ही करना पड़ेगा। उन्होंने एक लड़की देखी है, अमीर घराने की है, 50,000 रुपए मिलेंगे दहेज में। लेकिन माँ, कहाँ की लड़की है वो? तुझे क्या मतलब? अरे खोटा पैसा तो फिर भी काम आ जाता है, लेकिन तुम दोनों मेरे लड़के किसी काम के नहीं। राजी, ये आपको याद है जब ये तीनों लोग गए थे नेहरू जी के पास? अच्छा, तब ये फिल्म बन रही थी, अब दिल्ली दूर नहीं। भागो यहाँ से, निकल जाओ। पंडित जी ने हमें कभी नहीं देखा। इसका मतलब है हमने पंडित जी को कभी नहीं देखा। जाने दो साहब, काम पड़ता हूँ, पंडित जी से बड़ा जरूरी काम। मैं कहता हूँ छोड़ दो रास्ता, चलो निकलो। वो
उस फिल्म में एक सीन में चाहते थे कि राज ये राज कपूर जी की नेहरू जी आए। अच्छा, तो ये नेहरू जी के वहाँ तीनों ही गए मिलने। तो नेहरू जी ने शायद हाँ कर दी थी। अच्छा। लेकिन एज यूजुअल उनके एडवाइजर ने सर यू आर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट आप ऐसे कैसे कर पाएंगे, सो ही कुड नॉट डू इट, बट दैट्स हाउ दे हैड गॉन देयर। नमः शिवाय शिवराय ओम नमः नमः नमः। मैं जो है पहले दो ही थे राजी का, बाद में डेथ के बाद वो आए यहाँ पर, और तब तो ये वैसी थी समाधि। अगर आप ओरिजिनल देखें वीडियो, हाँ, सब खंडर जैसे, तो कराट सर ने पूरा प्रॉपरली इसको बना के कवर करके दिया है, और उनकी इच्छा थी कृष्णा जी की, जब आई थी यहाँ, देखिए इसको बोलते हैं ना नेमसिस कहिए क्या कहिए पोएटिक जस्टिस, जो यहाँ आई थी तो उन्होंने देखा इसको और कहा कि वो कॉर्नर मेरे लिए खाली रखिएगा, एंड दैट्स हाउ व्हेन शी डाइड तो उनका फिर कराट सर ने स्टैच्यू वहाँ पर उनको प्रॉमिस किया था लगाया। Beautiful, very, very, how nice. This is an epic celebration. Yes. Yes. Of life, love, yes, and legacy. अरे राज जी आपका जो है अंग वस्त्र में मेरा एक जैसा ही है, देखते हैं almost same. Yes. ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। तो यहाँ पर सर वो उस जमाने के जो सेकंड जनरेशन के ही राज्य के बाद जो आने शुरू हुए राज कपूर जी को, ये तो कंटेम्पररी उनके राजनाथ राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार जी। दादा चली गई है गोपाल, दादा कहीं चली गई है, मैंने उसे चली गई, ये क्यों नहीं कहते कि राधा भाग गई है? गोपाल, हाँ सुंदर, राधा भाग गई है, भाग गई है, भाग गई गोपाल सुंदर, और वो भागी है तुमसे, हाँ तुमसे, ये नहीं दादा। उनका जो है रिजेम्ब्लेंस आपके साथ हो रहा है, आपकी टाई के साथ और सूट के साथ। सिन्हा साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न जी हमारे अच्छे मित्र, ये तो बड़ी फेमस आइकॉनिक फिगर थी अपना ललिता पवार। ओ हाँ, तो फिल्म आई थी ना कौन सी इनकी, ये था भाई, मैंने तो एक फिल्म उनके साथ की जो काफी फेमस हुई, 100 दिन सास। हाँ, वो तो मैंने देखी थी, वो भी मैं इनके, वो हमारी सासू माँ की ताला देखा था मैंने। मिल गया पुराना ताजमहल, इतना शानदार है, नया वाला कितना फर्स्ट क्लास होगा। हम तुमको बोला नहीं, खुदा बेकारी और बंदे से कितना बड़ा है। ये सर लास्ट है सब सप्तरंग का लास्ट डोम, मेरा नाम जो इन्होंने यहाँ देख करके, और यहाँ पर जो है कॉमेडियंस का है। अच्छा, मुकरी है, ओम प्रकाश है, पीछे धूमल है, ये भगवान, सॉरी भगवान दादा, ये महमूद जी, और ये इनकी विजन ऐसी थी, वो मेरा नाम जोकर, दो इट वाज एन एक्सेप्शनल फिल्म इन मेनी वेज विद द रशियन कनेक्शन विद ऋषिज़ फर्स्ट तीन सीक्वेंसेस में द फिल्म डिड नॉट डू वेल, which is often the fate of something before its time. I know, woh is samay se pehle aa gayi thi. That is why when he made Bobby, sab kuch daav pe tha. Sab kuch tha. And then he rose again from the ashes like a phoenix. Raj Kapoor. Mere liye to main kya kahun, pehle Shailendra, phir Jay Kishan, Mukesh ji, phir Shankar ji, aur is Khwaja Ahmad Abbas. Bari bari सभी छोड़ गए, जाना तो खैर हमें भी है, सबको है, लेकिन पहले कह लीजिए या बाद में कह लीजिए, दुख तो होता है जाने वाले का, इसलिए कि एक साथ हमने काम शुरू किया था, एक साथ ही हम इसमें बढ़े और इसमें ही फले फूले, इसी में नाम कमाया और साथ साथ बड़ा लंबा सफर तय किया अपनी अपनी जिंदगी में। ट्रेल ब्लेजिंग जो है, हाँ, ये आइडियाज आर ट्रेल ब्लेजिंग, यस यस यस, राज कपूर्स वर्क वाज ट्रेल ब्लेजिंग, वी आर इन अ प्लेस व्हिच इज एन कंजंक्शन ऑफ द यूनिक एंड वी आर फॉर्चुनेट टू बी हियर एट दिस टाइम एंड आवर थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशंस बोथ टू राज जी and Vishwanath ji. And to Vishwanath ji for coming together, yes, to give India and the world, yes, this legacy in which the dome, yes,
continues that legacy for all time. Thank you very much.